अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैंने बाहर से ही वीडियो शूट करना शुरू किया है। मैं सुबह अपने गार्डन में पौधों को पानी दूँगी। फ्रेंड्स, तो ये फिश मैंने मैरिनेट करके रखी है। इसको पहले मैंने लाया, फिर 15-20 मिनट नमक में रखा था, फिर उसके बाद वॉश की, फिर जब ड्राई होगी तो इसको मसाला लगा के रख दिया मैंने। अब मैं फ्रिज में रखूँगी इसको 1-2 घंटे के लिए, फिर फ्राई करेंगे। इसमें मैंने हल्दी, मिर्च और नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और कोरिएंडर पाउडर डाल के तो इसको मैरिनेट कर दिया। तो अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में 2 आवर्स के लिए। तो उस अब मैंने कढ़ाई रख दिया बर्नर पे, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो जब तक इसका धुआँ निकलेगा, पक जाएगा अच्छे से, स्मेल निकल जाती जाएगी, फिर इसमें हम फिश फ्राई करेंगे जो मैंने मसाला लगा के रखी थी। अब ये साइड से हो गई, देखिए अब इसको ऑन करेंगे। देखिए तो ये टर्न कर दिया है मैंने, और इसकी तरफ से भी अच्छे से हो जाएगा। फिर हम इसमें निकालेंगे, फिर इसकी टर्न डालेंगे। अब ये हो गई है, हम इसको निकाल देंगे। देखिए दोनों साइड से अच्छे से हो गई है। तो अब हम इसको निकाल देंगे बाहर, फिर दूसरी टर्न डालेंगे। ये जुड़ गई है। तो ये देखिए फिश फ्राई हो गया है। अब ऑयल को हाफ कर देंगे। देखिए 4 चम्मच ऑयल रह गया है इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज।
और लहसुन। बस थोड़ी देर तक ये फ्राई होगा, फिर इसमें मसाले डालेंगे। इतना फ्राई हो गया है प्याज, अब हम इसमें डालेंगे ये खड़े मसाले। काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा, तो ये इसमें हम डाल देंगे। अब प्याज फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे टमाटो पूरी। ये मैंने घर में बनाई है, आप मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको टमाटर काट के कम ऑयल में सॉटे करना है, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो वो बन गई पूरी, अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये तेल पूरा आप टमाटर छोड़ ना दें, अच्छे से फ्राई हो जाएं और अपना कलर भी चेंज कर देंगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें फिश ऐड कर देंगे। अब ये देखिए इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से। मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब इसमें उतना पानी डालेंगे जिसमें ये कवर हो जाए पूरी फिश। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है, अब हम इसको लीड लगा देंगे और इसको पकाएंगे मसाले में फिश को। तो फिर थोड़ा सा पानी लेकिन इसमें बचा के रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने तक ये सोख लेती हैं पूरा वो पानी। तो ये हमने इसको लीड लगा के रख दिया है जब तक ये पकेगी। इसी स्टेज पे आप नमक बराबर कर दीजिएगा, फिर बाद में फिश टूट जाती है ठीक है चम्मच में। देखिए मज़ेदार सी डिश रेडी है, और मेरी वीडियो को लाइक करना और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। ये देखिए रेडी होगी, अब हम गैस बंद कर देंगे।